मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, उच्छल से स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव को तो अरे मायो
नरसिंह तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने कहा, शिवजी ने कहा कि तुम्हें धन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए? नरसिंह जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान श्री कृष्ण के रास के दर्शन करा दो, श्री कृष्ण के रास के दर्शन करा दो। तो शिवजी ने कहा कि तुम्हें गोपी बनना होगा, तुमको गोपी बनना होगा। नरसिंह जी बोले कि तो फिर मुझे घर पर जाना होगा, साड़ी पहननी होगी, तिलक लगाना होगा, टिक्की है, इतना झंझट। अरे वो गोपी थोड़ी बननी है, जो तुम्हें वो गोपी नहीं बननी, तुमको तो जो मन में जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव रखता है वो गोपी बननी है। अब तो नरसिंह जी को श्री शिव भगवान गोलोक में ले गए और ले जाया। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो कहा कि ये कौन है, कहा कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए, कहा कि ये नरसिंह हैं। तो अब भगवान को पता था पहले से ही, भगवान ने कहा कि ये लो मसाल, और मसाल पकड़ के खड़े हो जाओ। अब भगवान को कहाँ, भगवान के कहाँ अंधेरा है, तो भी भगवान ने नरसिंह जी को मसाल क्यों पकड़ाई? क्योंकि भगवान अपने भक्त को अपने पास रखना चाहते हैं, भक्त को, भक्त भगवान को भूले नहीं, इसीलिए अपने पास रखना चाहिए, इसीलिए भगवान ने मसाल पकड़ाई और भगवान रास करने लगे। एक कानो बैठो कदम केरी डालिया रे, एक कानो मारो बैठो कदम केरी डालिया रे, ओ तो बांसुरी बजावे दे 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 तालिया रे, कानो मारो बैठो कदम केरी डालिया रे, मारो बेटो कदम फेरी डालिया रे।
आगो कनूड़ा आपा रसोड़ा में चाला आगो नी कन्हैया आपा रसोड़ा में चाला आगो कनूड़ा आपा रसोड़ा में चाला आगो नी कन्हैया आपा रसोड़ा में चाला थे तो जी मैं तो जी मानिया रे ओ पढ़ियो। अब भगवान श्री कृष्ण देखियो के नरसिंह जी को हाथ जले
तो आप पीताम्बर ले नरसिंह जी हाथ पर पलेट लियो और जो ही नरसिंह जी को हाथ बारे निकालियो तो नरसिंह जी रो हाथ पाछो बेड़ो को बेड़ो लियो। नरसिंह जी यहाँ रास को दर्शन करियो। अब द्वारिका रे रस्ते पर नरसिंह जी वास्तर श्री ठाकुर जी द्वारिका रे रस्ता पर श्री ठाकुर जी एक बड़ो सो बंगलो बना दियो और घणा सारा रुपया भी बंगला मैंने हाँ और द्वारिका रे रस्ता पर नरसिंह जी रेबा ला गया। अब नरसिंह जी कन भी टेम नरसिंह जी कने जी टेम की हो कोनी बिठेम तो कोई कौन आया लेकिन आबार बांगन घनी संपत्ति है बाकी बारा पीढ़ियां खा सके बीती संपत्ति है लेकिन जिटेम बे गरीब आबांगन कोई कौन आया लेकिन जब अमीर हुआ बिटेम आंगन सगड़ा आ गया के मैं थारी भुआ बेटी बहन मैं थार मामा बेटी बहन मैं थार मामो लागू मैं थार काको लागू मैं थार मोटो भाई लागू मैं थार भोजाई लागू मैं थार नानो लागू मैं थार नानी लागू हगड़ा आ गया मैं थार दादी लागू मैं थार दादो लागू। और जी टेम नरसिंह जी गरीबा बी टेम कोई कौन आया नरसिंह जी ध्यान पड़ियो कि वो तो सब पिशारो खेल है और की कोनी। जन नरसिंह जी आपरो धन लुटाबा ला गया। अब नरसिंह जी के एक छोरी हुई जीरो नाम हो नानी बाई और नरसिंह जी के एक बड़ी छोरी जकी तो ब्याह कौन करियो कियो के पाप पिताजी मैं थांग साथे ही रहूं पिताजी मैं थांग के साथे ही रहूं। मोटोड़ी बेटी तो बांग साथे ही रहती लेकिन छोटकी बेटी नानी को छोटी जने बांग नाम राख दियो नानी जने नानी को ब्याह नानी बाई को ना ब्याह श्रीरंग जी के ग्राम करायो अंजार अंजार ग्राम मतलब अंजार नाम को गांव हो विमान श्रीरंग जी की बड़ी हवेली ही बिग मायने नानी बाई को ब्याह हुयो। अब ब्याह में नरसिंह जी धूमधाम ब्याह करियो ए धूमधाम ब्याह करियो आपरी बेटी रो और जितो डाई जो देनु अभी उन दुगुनो तिगुनो डाई जो दियो। अब नरसिंह जी अब थे सोचता वाला नरसिंह जी की संपत्ति तो अटे खत्म होगी। अब नरसिंह जी की तो संपत्ति हाल घनी पड़ी। अब नरसिंह जी आपरी संपत्ति बांट बा लाग गया गरीबा में तो पूरी संपत्ति ही जकी गरीबा में बांट दी गरीबा में बांट दी। नरसिंह जी की बेटी बीरो ब्याह हुयो और बीरे ब्याह हुयो तो बीरे बेटी हुई एक और बाई विवाह के योग्य हुईगी विवाह के होगी हुईगी जन। अब बीरो विवाह की बात चाली जने अब सगला बेटा कुंकू पत्र लिखबा हैं जने देखो थे हे नरसिंह जी रेडी करी रो नानी बाई नाम जी की ओ विचार न्यो क्यों सकल बिरादरी
पादरी नागर कुल रो भावे। नाग कृष्ण प्रभु सप्तमी कुंकु पत्र लिखाय जे। नाग कृष्ण प्रभु सप्तमी कुंकुम पत्र लिखाय। भाई बंद भेड़ा हुआ जाजम दिवी बिछाय। प्रथम लिखु गणेश को पुनिजु नागट जाय जे। प्रथम लिखो गणेश को पुनिजु नागट जाय। पीछे सब जात में यारू सब जान पहचान राम जी। पीछे सब में जात है और जब जान पिछाण। अंचल की बहु पत्रिका गवने निज निज दा जे। अंचल की बहु पत्रिका गवने निज निज दा। देन ले गे का सुद कु ले ले हर को नाम राम जी। देन लगे का सीद कु ले ले हर को नाम। विप्र को कल हाथ जी। नरसी जी रे पत्रिका विप्र को सल्या हाथ। जूनागढ़ अति बेग ते लेकर आई जो साथ। अरे रे 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 जूनागढ़ अति बेग ते लेकर आई जो साथ। नरसी जी रे दी करी रो नानी बाई नाम जी। जी रे नानी बाई नाम। जाई श्री रंग के गरानगर अंजार। राम जी ब्याई श्री रंग के गरानगर अंजार। भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज। नानी बाई के माई रारी चटाई भी जाई और पत्रिका लिखी जन सगड़ा पहली गणेश जी ने लिखी क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। कोई संकट आवे तो बे टाल देवे जने सबसे पहली गणेश जी ने लिखी। और अब सगड़ा सोचे कि दूसरी कुंकुपत्री किन लिखा दूसरी कुंकुपत्री किन लिखा। एक बुड्ढो ब्राह्मण एक कोई बुड्ढो आदमी हो जको कियो के हगला मोटा जका आदमी है बाने लिखो। अब हगला सोचे के हगला मोटा तो नरसी जी है बन लिखा कि नहीं लिखा। बे आई जन सोला सूर्यन हाथे ले राई इयान रे जने क्योंकि नरसी जी आवे जन हाथे तो पांच सूर्य हुए है। थोड़ी दूर आवे पांच का पचास हुए एड जड़ तक आवरे ठिकाने पुगे जीते तो पांच सौ सूर्य हो जावे। अब तो पूरो भंडारो ही करने पड़े बुलावे जगाने तो। जने एक बूढ़ो ब्राह्मण कियो के थे नरसी जी ने कुंकु पत्री लिखो तो सही ए जन कोई समझदार आदमी हो जो कियो के हाँ चालो लिख दो नरसी जी ने कर को जन कुंकुपत्री लिखी। और एक गांव में ब्राह्मण हो कोकल्या जी। कोकल्या जी आ जका कने गिया कुंकुपत्री लेर और कियो क्या नरसी जी ने कुंकुपत्री दे रानी है।
अबे कोकलिया जी की 95 वर्ष की आयु, बाकी बीन नहीं कहवे। अबे कोकलिया जी की, अरे नरसिंह जी की लेर जानी है, चलो चलो मैं तो लेर जाऊं। हैं पहले जी टाइम ब्याह की बात आई, बी टाइम मैंने नरसिंह जी 31 रुपया दिया। हैं अबे बा कुंकु पत्री पुगई बे डिवीजन। अबे बे जावे अभी टाइम बांगली भीनणी कियो के थाका ऊट तो लघु संगा करबा जाई जाई को नीर थे ठेठ बढ़ जाओ की हैं ठेठ जाओ जन के मैं कुंकु पत्री पुगा बा जाऊं। हैं जन भीण नहीं कियो थे कुंकु पत्री पुगा बा जाओ, लेकिन रास्ता में कड़े खुद ही नहीं पुग्या नहीं वायु जाली जने। अबे तो अब कुंकुपत्री का समाचार बांग घर कन पुग गया नानी भाई के जने। अबे जो ही समाचार पुग गया कि सगला अन्नु बन हो गया के नरसिंह जी कन कुंकुपत्री पुग गई है, वो मोडियो जीम बना जाए अब काई करा जने। अबे तो सगला यान हाथ में कटका काटता अन्नू बन अन्नू बन अन्नू बन। एक कोई नानी भाई की दादू सास दादी सासू है। अबे डोकरियान तो कोई आवेदन पूछनी जरूरी रहे, एक भाई कौन आयो है जने। अबे दादी सासू ही नानी भाई की सासू अन्नू बनिया कटका काटती है, वो मार पैसे मुझे हाथ लाए यहाँ ने नहाए तो कि ले रहा था कनीर है जन। हाथ में कटका काटती अनूर बन अनूर बन अनूर बन फिरे कने के लिए। अब अनू बन फिरे जने दादी के वे भाई कहीं सोचे तू मनी बताइए। ए भाई अनू बन क्यों फिरे मनी बता। ए भाई ओ भाई अब भाई नरसिंह जी की दादी आना ही करवा लगी है। अब जब तक बूढ़ी दादी आन बात नहीं बताओ जब तक तो मैं पूछता ही रही जने। अब दादी सासू पूछे कि काई हो ये बता तो सही। सासू के वे नानी भाई आड़ी के तू बैठी रे थन हाल कौन जान के काई हो ये बता तो सही जने। वे कहे कि अब नरसिंह जी ने कुंकू बत्री दी है वो अब राजा है जने। सासू की ओके इतनी सी बात बिन नारायण अन बुला बिन के अन आऊ एक और पत्र लिख है एक और पत्र लिख। अब सासू कहे नानी भाई वाली कहे कि थे कहीं आबार एक पत्रिका की इबरी थे कहीं अब मनुवार पत्रिका लिखो की नहीं है तू डब जने। अबे नारायणन बुलायो और चटाई बिजाई और सासु ननंद और देरणी जेठानी सब मिल के बैठिया के सास ननंद और देरणी जेठानी सब मिल बेटी आई के कागज मंगवायो लेख कलियो बुलाए सवा 25 मण लिखो सुकारी सवा 25 मण रोरी जी सवा 25 मण लिखो सुकारी सवा 25 मण रोरी जी सवा 25 मण लिखो कलेवो और मेवारी कोरी ओ सवा 25 मण लिखो कलेवो और मावारी कोरी हजार थान में मोती लिख दो साले दुसाला कापड़ा हजार थान में मोती लिख दो साले दुसाला कापड़ा हसी करे नरसीना ब्याई बगतावर छे पापड़ा ओ हसी करे नरसीना ब्याई बगतावर छे पापड़ा दो करोड़ रुपया नौकड़ी
अस्सी हजार तो मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी कागज में दो भाटा लिख दो यूं उठ बोले डोगरे भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी भगत बचल प्रभु सारे सब का सामान लिखाणो स्टार्ट करियो तो सासु कियो नानी बयाली कियो के पहली के ते मने पहले कियो कोनी मैं इती दुबली होती कोनी फिर दुबली हुईगी कियो के मैं तन कने एकली रोवे ही पचे के रुक जा डब जाइए मन बता तो सरी अबले हैं अबे दादी सासु ले गई जाने सवा पच्चीस मन तो सुपारी लिखाई सवा पच्चीस मन रोरी और सवा पच्चीस मन तो कलेवो लिखायो और मेवारी बोरी हजार थान मेमुदी साल दुसाला कापड़ा अबे बाबूड़ की दादी है नी दादी सासुना नी भाई अड़ी हैं जकी दो भाटा लिखाया भाटा लिखाया जने अबे तो नानी भाई की सास बोली के भाटा करो कहीं था मा तो फोड़ोगे हैं के एड़ा भाटा थोड़ी लिखाया मैं तो दो सोने का भाटा लिखाया हैं जिस टाइम मारा बीन दो जन मारी इच्छा ही मैं सोने के भाटा पर मारा टांगड़ा रगड़ू हैं लेकिन बे तो चालता रिया अबे कहीं था नरसी मारिया इच्छा पूरी कर देवे हैं इच्छा पूरी कर कोकल्या जी गने अब कोकल्या जी पहले पूरे गांव में फिरिया और हगला गांव मन प्रणाम करियो और पचे नानी भाई कन गया और नानी भाई ने कियो के थारे भी कोई इच्छा हुए लिखाण की तो तू लिखा सके जे नानी भाई कियो के थे तो इतो ही लिखो नानी भाई बोली थे तो लिखो इती माहेरो मारे तो ससुरारे घरा आई जो हिम्मती नानी भाई कियो के थे तो मार इती लिख तो के मारे ससुराल थे आई जो मती हैं आई जो मती बो कोकल्यो कियो के ठीक है सा बो गियो अबे बो गांव बारे निकलियो जीते तो थागियो क्योंकि पूरे गांव में फिर लियो लाई रामा सामा करिया जने गांव बाहर निकलता है सोई गयो अबे भूडलो भी रामन थाक्यो सूतो खूंटी तान जी भूडलो भी रामन थाक्यो सूतो खूंटी तान जी आका सासु आयो है श्री ठाकुर जी राम जी आका सासु आया मारे ठाकुर का ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो जी उपकार जी ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण पर कियो उपकार जी छिन में पहुंचायो जूनागढ़ बाजार राम जी छिन में पहुंचाई दियो जूनागढ़ के बाजार सारी तो बस्ती राखी तो की जो उपकार जी सारी रे बस्ती रा भाया थे की जो उपकार जी माने तो बता दो मैं ता नरसी को दुआ राम जी माने तो बता दो सला प्रभु
सारे सब काज नानी मई के माया रे ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि अबे बूढ़लो ब्राह्मण सूतो तो गांव के बारे अंजार नगर के बारे लेकिन भगवान ऐसी कृपा करी कि बिने जूनागढ़ बाजार पहुंचा दियो बिने जूनागढ़ बाजार पहुंचा दियो। अबे बूढ़लो ब्राह्मण उठ्यो और पूछ्यो कि ओ किसो गांव है जन कि ओ जूनागढ़। ओ बूढ़ो ब्राह्मण सोचे कि ओ मैं नींद में खातो चालियो लो जूं जूनागढ़ पहुंच गयो। अबे बिन कहनालो वे के नींद में चालियो जका थारे हासू जी बट पुगे की है बटे का बटे रेवे। अबे बूढ़लो ब्राह्मण हो जको अबे बस्ती राऊ पूछे बस्ती राऊ पूछे के मैं ता नरसी को द्वार किशो है। अबे सगला कहवे के नरसी जी को द्वार तो सगला ही जाने। आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांडा जी आमा सामा दरवाजा पे तिलक मांडा जी सूरज सामी पोल में ता नरसी जी पांड्या राम जी सूरज सामी पोल में ता नरसी जी पांड्या और ज्ञान दास के मन में पायो पायो जी ज्ञान दास बोलो तो न्यो तो देवण आयो राम जी ज्ञान दास जी बोलो ओ तो न्यो तो देवण आयो आखड़ गयो जोशी जी आलू जगाई धोत जी आखड़ गया जोशी जी आलू जगाई धोत સાધુડા જાણે છે પાંજો કરે છે દંડો ભગત વત્સલ પ્રભુ સારે સબ કાજજી ભગત વત્સલ પ્રભુ સારે સબ કાજ નાની પઈ કે મારા રે ઠાકુરજી ને લાજ સીતા રામજી ને લાજ જય જય नरसी जी का आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांडोड़ा है हैं सूरज जी दिशा में है बी दिशा में तो बांके पोल को दरवाजो है। अबे बे पांड्या जी तो गया मायने जने बे आखड़ गया क्योंकि बांके अंगूठा मायने धोती अड़ूज गई अलूज की जन सीधे ही बे पड़िया जन बांक हाथ यहाँ हुई गया यहाँ हुई गया जने। अबे तो सगड़ा सोचे कि वो तो दंडवत करे माने हैं दंडवत करे हैं लाल बन यहाँ कौन ध्यान के अंगूठा में धोती अलूज की झको पड़ गयो हैं। अबे सगड़ा सोचो न्यो तो देवन आयो है अपन तो अबे जीमन चाला हैं अबे जीमन चाला। आज के नानी भाई के मायरान अटले विश्राम करा आगे को अब काले करा।